अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। पिछले 20 साल में मेरी मम्मा ने मेरे पापा की राजनीतिक तपस्या में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मुझे आज भी याद है, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जब एक दफा मुकेश जी के आवास पर जाना हुआ, तो वहाँ अचानक डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री जी आई, जो कि शायद विश्वविद्यालय जाने के लिए बस तैयार थी। हाथ में एक पुराना सा बैग था। जाते जाते मुकेश अग्निहोत्री जी ने हंसी का ठहाका लगाते हुए कह दिया कि सिमी जी बैग तो नया ले जाते। उस पर सिमी अग्निहोत्री जी ने हंस कर कह दिया कि बैग ही तो है, क्या नया क्या पुराना। कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व की धनी थी स्वर्गीय डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री। और आज की यदि बात करें तो भीड़ से भरे शमशान घाट में बार बार दो ही चेहरों पर नजर जा रही थी। एक तरफ डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री तो दूसरी तरफ माता पिता की प्यारी दुलारी आस्था अग्निहोत्री। एक तरफ आस्था का दर्द आंसुओं के रूप में बह रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री का कलेजा अंदर ही अंदर से फट रहा था। यकीनन मुकेश और आस्था के जीवन का ये सबसे बुरा पल है, जहां पग पग साथ चलने वाली जीवन संगिनी ने साथ छोड़ दिया, तो वहीं बात बात पर गलतियां ठीक करने वाली, डांटने वाली, पुचकारने वाली, बेटी को मजबूत बनाने वाली मां का साया सिर से उठ चुका था। स्वर्गीय डॉक्टर प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री एक जिंदा दिल और हंसमुख स्वभाव की ऐसी महिला थी, जिन्हें धार्मिक और समाज सेवा के कार्यों में हमेशा ही बढ़ चढ़ कर देखा गया। आपने सुना होगा कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। शायद यह पंक्तियां मुकेश अग्निहोत्री और सिमी अग्निहोत्री पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। मुकेश अग्निहोत्री यदि 6 बार विधानसभा पहुंचे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी उनकी धर्मपत्नी सिमी अग्निहोत्री। अपने पति मुकेश से दूर रहना, जनता के बीच जाकर चुनावों की कमान खुद संभालना और अपने पति के लिए मंदिरों में पैदल जाना तक, यह सब कुछ शायद ही कोई आम पत्नी कर पाए। आस्था भले ही पीएचडी कर चुकी हो, लेकिन मां के तौर पर आस्था को डांट लगा देना, प्यार से पुचकार देना, जिंदगी के गूढ़ रहस्यों से अवगत करवाना, ये सब कुछ स्वर्गीय सिमी अग्निहोत्री की आदतों में शामिल था। डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री बेहद ही मिलनसार किस्म की व्यक्तित्व थी। सिमी अग्निहोत्री का जन्म मंडी के एक गोयल परिवार में हुआ था। मंडी के गर्ल्स स्कूल से सिमी अग्निहोत्री ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। वह शुरू से ही पढ़ने लिखने और अभिनय में खासी रुचि रखती थी। पढ़ाई लिखाई में शौक होने के चलते बाद में वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनी और ना जाने कितने बच्चों की जिंदगियां सवारी। गुरु के साथ साथ सिमी अग्निहोत्री एक बेहद ही अच्छी पत्नी और माँ के रूप में मिसाल है। सिमी अग्निहोत्री का देवी देवताओं और सामाजिक कार्यों के प्रति विशेष झुकाव था। समय समय पर जागरण और धार्मिक अनुष्ठानों को करवाना, यह सिमी अग्निहोत्री को खूब भाता था। और आज से 2 दिन बाद भी सिमी अग्निहोत्री एक जागरण करवाने जा रही थी, जिसकी पूरी तैयारियां उनके कंधों पर ही थी। उन्होंने एक वीडियो बनाकर भी इस जागरण को सफल बनाने के लिए आम जनमानस से आग्रह किया था। बेटी आस्था भी इसी जागरण के चलते भारत वापस लौटी थी, मगर किसको पता था कि जागरण से पहले ही सिमी अग्निहोत्री को मां के चरणों में जगह मिल जाएगी। शोक संतप्त परिवार को ईश्वर मजबूती दे, हम यही प्रार्थना करते हैं।